बात करते हैं एलएलबी में पढ़ाए जाने वाले सीआरपीसी के ऊपर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। में सबसे पहली बात है बेलेबिल ऑफेंस। बेलेबिल ऑफेंस किसे कहते हैं, यानी जमानती अपराध। तो इसकी जो डेफिनेशन दी गई है 21A में, सेक्शन 2A में, तो उसमें कहा गया कि जमानती अपराध में ऐसा अपराध है जो प्रथम अनुसूची में, यानी इसकी एक लिस्ट है प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल, उसमें जमानती के रूप में दिखाया गया हो। एक दूसरा ये कि तत्समय प्रवृत्त, यानी जो लागू है किसी अन्य कानून द्वारा, उसे जमानती बनाया गया हो, यानी जो जो इसकी लिस्ट में जो शेड्यूल है उसमें जमानती दिखाया गया हो फर्स्ट शेड्यूल में, या जो है उसे जमानती किसी कानून में जो अन्य कानून है उसमें जमानती बनाया गया हो, तो उसे जमानती अपराध कहते हैं। दूसरा आरोप, आरोप मतलब चार्ज। चार्ज का मतलब ये है, जब इसकी जो डेफिनेशन 2B में दी गई है उसमें कहा गया है जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों तो आरोप का कोई भी शीर्ष, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो भी उसे चार्ज ही माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते ये तो आरोप नहीं, आरोपों हैं, इस बात को क्लियर किया गया। वास्तविकता में आरोप ये होता है जो मुकदमा चलाने के लिए जिस आधार पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिस आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है, या जो अपराध है उसे बताया जाना जो है वो आरोप कहलाता है। तीसरा है संज्ञेय अपराध सी, जो 2C में है, कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब इसकी जो डेफिनेशन है 2C में दी गई, उसमें भी यही लिखा गया कि संज्ञेय मामले में ऐसा मामला है जो पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना जिसमें गिरफ्तार कर सकता हो। जो संज्ञेय, एक तो प्रथम अनुसूची में संज्ञेय अपराध लिखा गया हो कॉग्निजिबल ऑफेंस, और दूसरा ये कि वो जो है किसी कानून में कॉग्निजिबल बनाया गया हो कि भाई ये कॉग्निजिबल होगा, उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि उसे वारंट के बिना पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है और उसकी जांच भी कर सकता है। अब 2D में है परिवाद, यानी कंप्लेंट। अब कंप्लेंट का मतलब ये है कि वैसे तो आप कंप्लेंट शिकायत को कहते हैं, लेकिन इसमें शिकायत से अलग है थोड़ा सा मतलब। अगर पुलिस को शिकायत करते हैं तो वो पर कंप्लेंट नहीं मानी जाती। परिवाद तब माना जाएगा जब मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से कोई अभिकथन किया जाए, कोई शिकायत की जाए, तो वो जो है परिवाद माना जाता है, चाहे वो ज्ञात हो उसमें अपराधी चाहे अज्ञात हो, तो वो जो है परिवाद माना जाता है। और इसी में क्या 2D में ये भी क्लियर किया गया, जो पुलिस रिपोर्ट करती है जो है कोर्ट को 173 में, वो जो है अब पुलिस रिपोर्ट जो है वो परिवाद नहीं माना जाता। परिवाद किसी व्यक्ति द्वारा जो किया जाएगा जो है मजिस्ट्रेट को, उसी को माना जाएगा। अब बात आती है असंज्ञेय अपराध की 2L में, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस को बहुत सीधा सीधा कहा गया, असंज्ञेय मामला वो ऐसा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता। ये भी अनुसूची में दिया हुआ होता है कि कौन सा असंज्ञेय है, कौन सा नॉन कॉग्निजिबल है। अब मामला, अब आता है समन मामला 2W में। समन मामले से मामला ऐसा अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और वारंट मामला नहीं है। इसमें समन मामले को बिल्कुल क्लियर किया गया कि वारंट मामला जो नहीं हुआ है, नहीं, सारे मामले समन मामले हैं जब तक कि वो वारंट मामला ना हो। अब वारंट मामला क्या होगा, वो एक्स में कहा गया वारंट मामला। वारंट मामला से ऐसा मामला है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की गई अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है, यानी 2 वर्ष से ज़्यादा का अपराध वाला मामला, आजीवन कारावास वाला कि जिसमें सज़ा हो सकती है या जिसमें मृत्युदंड की सज़ा हो सकती है, वो सारे जो है वारंट मामले हैं, और जो वारंट मामले नहीं है वो समन मामले हैं। अब बात करते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट्स की, कि क्रिमिनल कोर्ट्स जो है कौन कौन सी हैं। ये सीआरपीसी के अध्याय 2 में दिया गया है कि कौन से
कौन सी कोर्ट है और उसका गठन कैसे कैसे किया जाता है। अध्याय दो में सेक्शन छः में लिखा गया है कि सब दंड न्यायालयों के वर्ग कौन कौन से होंगे, यानी क्रिमिनल कोर्ट्स के कौन कौन से क्लासेस होंगे। इसमें चार क्लास बताए गए, शेषन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। इनमें से जो ऊपर वाले तीन न्यायालय हैं उसके हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति की जाती है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसमें SDM DM वगैरह आते हैं उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जो सेक्शन 7 में जो है टेरिटोरियल डिवीज़न की बात है, तो टेरिटोरियल डिवीज़न जो है सेशन के लिए, जो सेशन जज के लिए एक ज़िला माना जाता है, वो ज़िला वास्तविक जो राजस्व ज़िले हैं उनसे अलग अलग भी हो सकता है, वो जो है उच्च न्यायालय उसे जो है निर्दिष्ट करता है। महानगर क्षेत्र राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करती है, ये सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। सेक्शन 9 में सेशन न्यायालय लिखा हुआ है। सेशन न्यायालय जो है वो जो है उच्च न्यायालय जो है उसे पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है और राज्य सरकार जो है सेशन न्यायालय स्थापित करती है। सहायक सेशन न्याय जो सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, सहायक सेशन न्यायाधीश भी होते हैं, सहायक सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ काम करते हैं, सबॉर्डिनेशन में काम करते हैं, सेक्शन 10 कहती है। सेक्शन 11 जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात करती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय जो है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त करती है। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। प्रत्येक ज़िले में एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और उसके अंडर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है होते हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी विशेष लॉ के अंतर्गत जो है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। इसमें सेक्शन 13 में इसका प्रोविज़न है। सेक्शन 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता का जो है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता जो है या सीमाएं जो हैं, यानी लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो जो है उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त करता है कि साहब ये थाना इसके अंतर्गत में आएगा, ये थाना इसके अंतर्गत आएगा, ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, यानी सेक्शन 15 में ये क्लियर किया गया है, सारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ माने जाएंगे। 16 में महानगर मजिस्ट्रेट की बात की गई है। सेक्शन 16 में तो महानगर मजिस्ट्रेट में प्रत्येक महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं उच्च न्यायालय के परामर्श से। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक अपर मुख्य नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय अपनी अधिकार प्रत्येक महानगर के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा और फिर उसके महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है और उसे जो है सारी पावर दे सकता है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति सेक्शन 18 में की जा सकती है। सेक्शन 19 में महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, यानी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के महानगर मजिस्ट्रेट जो है अधीनस्थ होंगे। और सेक्शन 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात है, तो राज्य इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वो उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उसमें से एक जिला मजिस्ट्रेट भी होगा, यानी जिला मजिस्ट्रेट भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। इसमें साथ में सेक्शन 4 में और सेक्शन 5 में ये भी प्रावधान है कि पुलिस आयुक्त को भी महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब या कुछ शक्तियां दी जा सकती हैं। 21 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात है और 22 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता की बात है और 23 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ होने की बात है। तो ये तो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की बात हुई कि कौन कौन से न्यायालय होंगे मजिस्ट्रेटों के। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इनकी शक्तियाँ क्या होंगी। ये अध्याय 3 में दिया गया है जो शक्तियाँ उसके होंगी। तो सेक्शन 26 में ये है कि कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइएबल, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचार लिए है। तो भारतीय दंड संहिता के अपराधों का विचारण हाईकोर्ट द्वारा किया जा सकता है, सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है,
या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में यानी फर्स्ट अनुसूची में दर्शित है। साथ ही इसमें 2009 से लागू जो है दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम था, CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008, उसमें ये साथ में जारी वो कर दिया गया और इसमें प्रावधान उसे अब फिर संशोधित करके 2013 में के अधिनियम से ये प्रावधान कर दिया गया कि 376 का खा गा खा यानी अड़ा बलात्कार वाले मामले में जो विचारण है यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन अधिकारी हो। तो ये इसमें न्यायालय जो है वो महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा ही उस मामले का निस्तारण यथासंभव किया जाएगा यानी उसे मामले को सुना जाएगा, ये और स्पष्ट कर दिया गया है। एक तरीके से इस ऐसे मामलों के लिए जो है महिला रिजर्वेशन कर दिया गया है जज का। दूसरा ये कि किसी अन्य विधि के, ये तो IPC की बात हुई, अब अन्य विधि के अधीन है तो तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें जिसे उल्लिखित किया गया है, और जब उल्लिखित नहीं है तो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा उसके विचार लिए होना प्रथम अनुसूची में दर्शित है। किशोरों के मामले में धारा 27 ये कहती है किशोरों के मामले में जो अधिकारिता है वो जो है किशोर जो अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी आयु उस तारीख को 16 वर्ष से कम है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसे किशोर अपराधियों से के अधिनियम से संबंधित में विशेष रूप से सशक्त किया गया हो। अब दंडादेश कौन कौन से दे सकेंगे, कौन से न्यायालय, तो सेक्शन 28 में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय और शेषन न्यायाधीश कोई भी दंडादेश दे सकेंगे। पहली बात, उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, शेषन न्यायाधीश और अपर शेषन न्यायाधीश कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु का दंडादेश जो है वो उच्च न्यायालय के पुष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय पुष्ट किया जाएगा तभी वो जो है माना जाएगा। और सहायक शेषन न्यायाधीश जो है मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अवधि के कारावास से सिवाय सारे दंड दे सकते हैं, यानी 3 दंड शेषन न्यायाधीश नहीं देंगे, यानी समझें उच्च न्यायालय हर एक दंड दे सकता है। दूसरा, शेषन न्यायाधीश या अपर शेषन न्यायाधीश सारे दंड दे सकता है लेकिन मृत्यु दंड की पुष्टि जरूरी है। और सहायक शेषन न्यायाधीश मृत्यु आजीवन कारावास यानी उम्र कैद या 10 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं देगा, बाकी सारी सजाएं दे सकेगा। धारा 29 मजिस्ट्रेटों के दंड के बारे में बात करती है कि मजिस्ट्रेट कौन कौन से दंड दे सकेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो मृत्यु आजीवन या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय सारे दंड दे सकेगा, यानी ये 3 दंडादेश वो भी नहीं दे सकेगा, मृत्यु आजीवन और 7 वर्ष। वहाँ पे सहायक शेषन न्यायाधीश 10 वर्ष वाला नहीं दे सकेगा, ये 7 वर्ष से अधिक का नहीं दे सकेगा, कोई 7 वर्ष तक के दे सकेगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष तक के, 3 वर्ष से अनधिक, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष अधिक और ₹10,000 तक के जुर्माने का दंडादेश दे सकता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की सजा और ₹5,000 तक के जुर्माने का, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बराबर शक्तियाँ होंगी और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी, यानी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जैसे 7 वर्ष तक की सजा 7 वर्ष से ज़्यादा के का वो सज़ा नहीं दे सकता, वैसे वो भी नहीं दे सकता है। 30 में जुर्माने की बात की गई कि जुर्माना अगर देने में नहीं देगा कोई व्यक्ति तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो है उसमें सजा का जो प्रावधान होगा वो जो उसकी टोटल मजिस्ट्रेट की पावर है उससे चौथाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जुर्माना ना देने पे जो सज़ा दी जाती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ और उनकी पावर की बात हुई। अब बात आती है अरेस्ट की, गिरफ्तारी।
गिरफ्तारी में सेक्शन 41 जो है वो ये कहती है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, वैन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। किस मामले में? पहली बात, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है वो, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में। तो पहली बात ये कि संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में करता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि जिसके विरुद्ध जो है कोई युक्तियुक्त परिवाद यानी कंप्लेंट की जाए और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई हो कि उसने, अगर 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है उसका जुर्माना वो अपराध संज्ञेय अपराध किया है और ये शर्तें पूरी कर दी हैं, तब गिरफ्तार किया जा सकता है। कि पहली बात ये, पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद जानकारी या संदेह के आधार पर ये विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। खाली इसका मतलब ये हुआ कि यह खाली परिवाद प्राप्त होने से, कंप्लेंट प्राप्त होने से या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे ये शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। पहली बात ये कि इस संदेह का कारण होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। दूसरा ये कि पुलिस अधिकारी को ये समाधान हो जाता है। दूसरा ये भी शर्त ज़रूरी है, मतलब ये साथ में ज़रूरी है कि गिरफ्तारी निम्न मामलों के लिए आवश्यक है, यानी इन के लिए 5 चीज़ों के लिए आवश्यक है गिरफ्तारी। किसके लिए? ऐसे व्यक्ति को कोई अपराध करने से निवारित करने के लिए, यानी ऐसे अपराध करने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। और तीसरा, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी रीति से छेड़छाड़ के निवारण करने के लिए, यानी जो है वो छेड़छाड़ करेगा उसे रोकने के लिए आवश्यक है। और चौथी बात ये है कि ऐसे व्यक्ति किसी को धमकी देगा या जो है वो जो तथ्यों से परिचित है या न्यायालय या पुलिस अधिकारियों को ऐसे तथ्यों को प्रकट ना करने से मनाया जा सकेगा, इसके लिए कोई धमकी या वायदा करेगा उसकी संभावना है, तो उसे इसलिए भी जो है उसे रोका जा सकता है। जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति जबकि अपेक्षित तो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा, यानी कारण लिखेगा। परंतु पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी ना करने के कारण भी लिखेगा। इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी करने के कारण भी उसे लिखने हैं और गिरफ्तारी ना करने के कारण भी उसे लिखने पड़ेंगे। दूसरी, अगर 7 वर्ष से ज़्यादा का मामला है, अपराध का मामला है, तो उसमें ये वाली बात लागू नहीं होगी। उसमें अगर 7 वर्ष से मामले में खाली जानकारी और विश्वास है, जानकारी के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि अपराध किया है, तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी ये सारी सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा, राज्य सरकार द्वारा अपराधी घोषित कोई व्यक्ति किया जा चुका है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। चौथा, जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है तो भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वो कर्तव्य अपना कर रहा है तो भी उसे वो किया जा सकता है। जिस संघ या सशस्त्र बलों के भगौड़ा होने का अधिकार वो है कि जो है वो संघ से के या सशस्त्र बलों से भाग के आया है तो भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जो भारत से बाहर उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो भारत में करता तो वो दंडनीय होता। इसके बाद जो सिद्ध दोष है और उसे छोड़ा गया जमानत पे और उसका नियम को भंग करता है, इसके बाद गिरफ्तारी के लिए अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक जो है उसे अपेक्षा प्राप्त हुई है, यानी उसे जो है निर्देश प्राप्त हुए, रिक्विजिशन प्राप्त हुई है तो भी वो गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई असंज्ञेय अपराध उसके पुलिस अधिकारी के सामने करता है
तो भी गिरफ्तार कर सकता है जब जबकि उसे असंज्ञेय अपराध में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वो नाम जानकारी, विश्वसनीय जानकारी उसकी, व्यक्ति को नाम पता पहचान जो है बताने में कोई इनकार नहीं करता है। अब गिरफ्तारी होने के बाद क्या होगा कि पुलिस अधिकारी अगर जैसे 7 साल तक के मामलों में सजा के मामलों में गिरफ्तार नहीं करता है तो 41 का में पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना यानी नोटिस देगा। उस नोटिस के आधार पर उसे गिरफ्तारी उसे जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि गिरफ्तार करने की प्रक्रिया भी जो सेक्शन 41 खा में या 41 बी में कर दी गई है उसमें सही लिखा गया है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय अपने नाम को सही प्रकट करेगा, स्पष्ट पहचान धारण करेगा पहली बार। दूसरा गिरफ्तारी का एक मीमो तैयार करेगा, गिरफ्तारी मीमो, और उसमें कम से कम एक साक्षी द्वारा उसे अटैच किया जाएगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य होना चाहिए या उस क्षेत्र का होना चाहिए जहां गिरफ्तारी की है गणमान्य सदस्य हो, या तो परिवार का सदस्य हो या उस क्षेत्र का गणमान्य सदस्य हो, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा उसे अटेस्टेड होना चाहिए, काउंटर साइंड होना चाहिए जो गिरफ्तार किया गया है। जब तक उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अटेस्ट नहीं किया जाता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये सूचना देगा कि वो उसे अधिकार है कि वो अपने नातेदार या मित्र जिसका नाम दे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी जाए, तो वो गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए नाम पता जो है उससे ले लेगा, उसका अधिकार दे है। इसके बाद 41 सी में कहा गया कि जिले में एक कंट्रोल रूम होगा और उसमें प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में और राज्य स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाएगी और उसमें गिरफ्तारी की सूचनाएं जो हैं वहां पर संग्रहित की जाएगी और उसके नोटिस बोर्ड पर भी जिले के जो है वो लगाई जाएगी ताकि गड़बड़ ना की जा सके गिरफ्तारी में। हाँ, गिरफ्तारी आज दिखा कर रहे हैं और दिखावात में रहें तो उस सबको रोकने के लिए एक प्रोविज़न किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्देश दिए थे, उसके बाद ये CRPC में ये अमेंड कर दिया गया। 41 डी में ये कहा गया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। ये एक्ट में ही अब कर दिया गया, पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, अब एक्ट में ही CRPC में कर दिया कि मिलने का अधिकार होगा लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं रख सकता वो। मतलब वकील तो से मिलने का तो अधिकार है, वकील से मिलने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि जो है वो पूरी पूछताछ के दौरान वो कहे कि साहब वकील साहब मेरे बैठे रहेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। और सेक्शन 42 ये कहती है कि अगर असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजिबल ऑफेंस, मैंने पहले भी बताया कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है तो जो है और नाम पता और निवास स्थान बताने से इनकार करता है या पुलिस अधिकारी को लगता है कि वो नाम और निवास स्थान गलत है तो भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन जो है उसके बाद जो है वो निश्चित अगर हो जाएगा तो उसके बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है एक, और दूसरा प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। प्राइवेट व्यक्ति को भी जैसे हमने पहले देखा था कि सेल्फ डिफेंस की जैसे शक्तियाँ वैसी प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तारी की भी शक्तियाँ, ये सेक्शन 43 कहती है कि गिरफ्तारी की शक्तियाँ क्या क्या हैं। जो प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में वहाँ पे तो संज्ञेय अपराध कर रहा था पुलिस अधिकारी में, यहाँ पे अजमानती और आ गया, अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है। मतलब जो पुलिस अधिकारी है वो संज्ञेय अपराध उसकी उपस्थिति में होता है तो वो गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति संज्ञेय होना चाहिए यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस भी होना चाहिए और अजमानती भी होना चाहिए। जमानत इसमें नहीं होती, अजमानती है। अब सवाल ये उठता है ये पता कहाँ से चलेगा? ये Schedule 1 में एक लिस्ट दी हुई है, उसमें कौन सा अपराध जमानती है कौन सा जमानती लिखा रहता है, और बाकी एक्ट में भी ये प्रोविज़न रहता है कि ये अपराध जमानती होगा या अजमानती। तो वो गिरफ्तार कर भी सकता है और गिरफ्तार करवा भी सकता है। गिरफ्तार करवाने से मतलब ये है कि उसके सामने किया जा रहा तो किसी अपने नौकर से या अपने जो है उससे रिश्तेदार से कह सकता है गिरफ्तार कर लो इसको, तो वो गिरफ्तार किया जा सकता है, करवा सकता है, लेकिन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के बिना विलम्ब के पुलिस अधिकारी के हवाले करना होगा, ठीक है, उसे सूचित करेगा, और अगर पुलिस अधिकारी नहीं मिलेगा तो निकटतम पुलिस थाने अपनी अभिरक्षा में पुलिस थाने में लाएगा और पुलिस थाने को पकड़ा देगा, ये काम उसे करना पड़ेगा।
अब अगर विश्वास का कारण 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है, जो हमने अभी आप पहले चर्चा की, 41 में आता है, तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार कर लेगा और जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। अगर असंज्ञेय अपराध किया गया है ये विश्वास करने का कारण है, तो वो पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम पता बताने से इनकार करता है, तो भी उसे उसी सेक्शन 42 के अंतर्गत गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाएगा। अब सवाल ये है मजिस्ट्रेट की पावर, मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी, तो ये सेक्शन 44 कहती है। सेक्शन 44 में ये क्लियर कर लें, मजिस्ट्रेट में कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है, ऐसा नहीं है कि खाली जो है वही गिरफ्तार करेगा, जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट ही गिरफ्तार करेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है। और कब गिरफ्तार कर सकता है, इसके इसकी पावर है कोई भी अपराध, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कौन सा संज्ञेय है कौन सा असंज्ञेय, अगर कोई भी अपराध उसके सामने किया जा रहा है तो वो गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है, और जमानत के अंतर्गत सुपुर्द भी कर सकता है। मान लो जो मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी की पावर है वो पुलिस अधिकारी की पावर से भी ज़्यादा है, उसे संज्ञेय अपराध की पावर थी, इसे असंज्ञेय अपराध में भी गिरफ्तारी की पावर है, कोई भी अपराध किया जाता है। और साथ में ये कि वो उन मामलों में भी गिरफ्तार कर सकता है जिसमें गिरफ्तार करने के उसे निर्देश देने की पावर है, जिसमें वो वारंट जारी करने के लिए सक्षम होता है, अगर तो भी वो डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 45 ये कहती है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तार, अगर उन्होंने कार्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अपराध किया है या अपराध किए जाने का उन पर आरोप है, तो गिरफ्तार जब तक नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ली जा सकती, केंद्रीय सरकार की सहमति से ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बात ये हुई, हमने पहले वैसे बात कर ही ली कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या क्या होंगे, तो पहली तो बात ये है कि राइट टू नो ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट, तो अनुच्छेद 22(1) में कहा गया कि भाई उसे गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार होगा। दूसरा, उसे मजिस्ट्रेट के सामने बिना डिले के पर जो है वो उपस्थित करने का, यानी जो है 24 घंटे के अंदर उपस्थित करने का की लाइबिलिटी होगी, उपस्थित किया जाएगा, ये 56 और 57 CRPC में लिखा गया है। तीसरा जो है उसे फ्री लीगल एड का भी अधिकार होगा, जो है ये अनुच्छेद 22(1) में भी लिखा गया है और 303 CRPC में भी, अगर मतलब फ्री लीगल एड मिलेगी, अगर मान लीजिए उसके पास वकील नहीं है तो उसे वकील उपलब्ध कराया जाएगा राज्य सरकार की, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जो है व्यवस्था है। अब पुलिस को इत्तला की बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टू द पुलिस और एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस को इत्तला और उसके अन्वेषण की शक्ति है। 154 में 154 में संघीय मामलों में पुलिस को इत्तला देने का प्रावधान है, तो संघीय अपराध किए जाने के लिए संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यानी प्रभारी को इंचार्ज को मौखिक रूप से दी गई है तो उसके निर्देशानुसार लेखपत कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन 154 में है, लिखित भी दी जा सकती है, मौखिक भी दी जा सकती है। और अगर जो है बलात्कार से संबंधित मामले में दी जाएगी तो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही उसे लिखा जाएगा और इसकी कॉपी जो है निशुल्क जो है तत्काल, सेक्शन 154(2) कहती है तत्काल और निशुल्क जो है वो उसे उपलब्ध कराई जाएंगी संबंधित व्यक्ति को। अब 154(2) में ये प्रावधान, 154(3) में कहा गया, ये मान के चले कि पुलिस अधिकारी जो है गड़बड़ कर सकता है, तो इसलिए इसमें ये लिखा गया कि अगर अभिलिखित करने से इनकार करता है तो ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप से संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है वो डाक द्वारा, और वो जो है अन्वेषण का आदेश दे सकता है, यानी उसे जो है अन्वेषण का आदेश देने के लिए जो है वो भेज सकता है उसको। और 155 असंघीय मामलों में इत्तला को कहता है, असंघीय मामलों की इत्तला तो लिखेगा वो, लेकिन साथ में जो है उसका, लेकिन उस पर गिरफ्तारी या कार्रवाई तब तक नहीं करेगा जब तक उसमें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं हो जाएगा। और 156 जो है ये कहती है, ये 155 होगी, 156 ये कहती है संघीय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, तो जो है वो संघीय मामलों का अन्वेषण जो है वो अपनी सीमाओं के अंतर्गत उसे कर सकता है और उसकी रिपोर्ट जो है 190 के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट को
को 190 के अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट भी उसे अन्वेषण का आदेश दे सकता है। 157 में अन्वेषण की प्रक्रिया का है। 156 तीन में 190 के अंतर्गत शासक कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश दे सकता है। यानी ये तीसरा मैटर हुआ कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन का आर्डर जो है या इन्वेस्टिगेशन एसएसपी ने नहीं कराई, पुलिस या एसपी ने नहीं कराई जिसे डाक से आपने भेजी थी, तब भी जो है न्यायालय के थ्रू 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देके पुलिस रिपोर्ट का यानी अन्वेषण करवाने का आदेश जो है कराया जा सकता है। 157 में अन्वेषण के लिए प्रक्रिया का है। उसके बाद 158 में रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देने का यह प्रावधान है और 159 में अन्वेषण या प्रारंभिक जांच की शक्तियों का मामला है और 160 में जो है साक्षियों को हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति की का प्रावधान है। इसके बाद जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट सेशन कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस की बात करते हैं। ये भाई कॉग्निजेंस कैसे लेगा, उसके बाद अगली बार जांच जब हो गई, पुलिस ने जांच कर ली तो कॉग्निजेंस के प्रोविजन शुरू होता है। ये अध्याय 14 में है। तो मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया जाता है। कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेटों द्वारा ही लिया जाता है। तो जैसा कब कब लिया जाएगा, 190 ये प्रावधान करती है कि पहली बात ये कि जब ऐसा परिवाद प्राप्त हो जाए यानी कंप्लेंट प्राप्त हो जाए अपराध की। दूसरा जो जिसमें जो आप पुलिस में आपने कंप्लेंट करी थी उसकी जांच रिपोर्ट जो है रिपोर्ट आ जाए और उसमें वो चार्जशीट लगाई जाए कि हाँ साहब ये अपराध बनता है। तो तीसरा पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर या स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर। तो तीन आधार पे जो है ये संज्ञान लिया जा सकता है यानी कार्रवाई कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। पहला ये कि परिवाद प्राप्त करे कोई व्यक्ति परिवाद प्राप्त हो किसी व्यक्ति से। दूसरा ये कि इस पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो जो पुलिस में रिपोर्ट की वो की थी FIR दर्ज कराई थी। और तीसरा ये कि अब जो है उसे स्वयं इत्तला प्राप्त हो या किसी अन्य व्यक्ति की इत्तला जो है उसे प्राप्त हो तो जो है वो कर सकता है। और 192 ये है कि मजिस्ट्रेटों के हवाले करना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान करने के बाद अपने अधीनस्थ न्यायालय के आगे मामलों को किया जा सकता है। अब क्या शेषन न्यायालय भी जो है संज्ञान ले सकता है, तो इसका जवाब देती है सेक्शन 193। इसमें कहा गया कि संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई शेषन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है सामान्य परिस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द करने पर ही जो है संज्ञान जो है शेषन न्यायालय द्वारा लिया जाएगा, नहीं तो शेषन न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाएगा। बस इसका अपवाद ये है कि किसी एक्ट में किसी एक कानून में एक सीधे लिखा गया हो कि ये इसका संज्ञान शीर्ष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा तब उसे जो है शीर्ष न्यायालय द्वारा उसका संज्ञान लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा जो है कंप्लेंट की। मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में परिवार यानी कंप्लेंट जो है कैसे की जाती है। तो अध्याय 15 में जो है मजिस्ट्रेटों से परिवाद का क्या के जो है वो प्रोसीजर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है परिवाद करने के बाद कंप्लेंट की जाती है, तो सबसे पहले परिवादी की परीक्षा सेक्शन 200 में की जाती है यानी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। तो परिवाद पर या किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट परिवादी की ओर से यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध करेगा। तो ये तो पहला जो है प्रोसीजर हुआ। उसके बाद जो संज्ञान करने में मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है तो जो है उसे जो है समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए लौटा देगा
या उचित न्यायालय में जाने और उचित न्यायालय में जाने का निर्देश देगा। अगर गलत न्यायालय में आप पहुंच गए तो 201 में उसे वापस कर देगा। ये लिख के 202 में जो है आदेशिका जारी करेगा, पोस्टपैनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस जारी करने को मुलतवी कर सकता है। यदि कोई मजिस्ट्रेट प्राधिकृत है तो वो ठीक समझता है जहाँ निवास कर रहा है, जो उस क्षेत्र से परे है जो अधिकारिता का प्रयोग करता है, अभियुक्त आदेशिका जारी करना मुलतवी कर सकता है। कि जहाँ पे जो है कहीं अन्य रहता है वो तो उसे मुलतवी कर सकता है, लेकिन बाकी मामलों में जो है वो उसे जो है आदेश कर सकता है, आदेशिका जारी कर सकता है, यानी उसे सम्मन जारी कर सकता है। परिवाद का खारिज किया जाना, परिवाद अगर उसे लगता है कि कथन पे कि अपराध बनता नहीं है तो परिवाद उसे खारिज भी किया जा सकता है। जो अध्याय 16 में कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए आदेशिका जारी करने का प्रोविजन है कि 204 में उसे आदेशिका जारी किया जाता है। सम्मन मामला प्रतीत होता है तो सम्मन जारी करेगा और वारंट मामला प्रतीत होता है तो वारंट जारी करेगा। 205 में अभी मजिस्ट्रेट के जो है व्यक्तिक बहादुरी से मुक्ति दे सकता है और 206 में छोटे अपराधों के लिए विशेष सम्मन का प्रावधान होता है। 207 में अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य प्रतिलिपियां देने का जो है प्रोविजन है। 208 में शेषन न्यायालय द्वारा विचार लिए अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों को प्रतिलिपि देने का विवरण है। और 209 में जब जो है अपराध शेषन न्यायालय द्वारा विचार लिया है तो उसे शेषन को सुपुर्द करने का प्रावधान है। और 210 में परिवाद वाले मामले में अनुसरण करने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध में पुलिस अन्वेषण है तब मजिस्ट्रेट कार्रवाई रोक देगा। ये 210 में प्रावधान है, अगर अन्वेषण उसमें चल रहा है और उसी में परिवाद किया गया है। अब बात है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार की प्रतिभूति। अब कोई व्यक्ति शांति कायम रखे, अपराध ना करे, उसके लिए भी प्रतिभूति का प्रोविजन है और इसके लिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को कुछ पावर हैं और कुछ शेषन न्यायालय को पावर हैं, वो कुछ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर हैं। 106 की पावर जो है शेषन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय को और शेषन न्यायालय को है। उसमें क्या है कि दोष सिद्धि पर अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया जाता है तो दंडादेश देते समय ही वो ये कह सकता है कि 3 वर्ष के लिए एक जमानत तौर दो कि ये अपराध जो है, जो अपराध है वो नहीं करोगे। अब इस किस किन अपराधों में कर सकता है, वो 153 का, 153 खा, 154 IPC का जो है हमला या आपराधिक बल और रिस्ट्री, आपराधिक अभितरास यानी धमकी का कोई अपराध, कोई अन्य अपराध जिसमें परिशांति भंग हुई हो या भंग होना आश्रित हो, तो ये 106 में प्रोविजन है। 107 में अन्य दशाओं में शांति भंग करने के लिए ये जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो है पावर है इसमें, यानी SDM DM ये जो है वो कर सकते हैं। 108 में राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने के लिए सदाचार है, ये भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है। 109 में संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने का प्रोविज़न है, ये भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। और 110 में अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति लेने का है, इसमें जिन जिन अपराधों में लिया जाता है तो मेन जो अपराध होते हैं वो सारे अपराध इसमें शामिल हैं, जिसमें मैं चोरी, व्यापरण, उद्यापन, रिश्ते, ये सारे अपराध जो है इसमें शामिल है। 110 में ये भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही शक्ति है। 111 में आदेश देने का प्रोविजन है, 112 में न्यायालय की उपस्थिति के बारे में प्रक्रिया है, और 113 में ऐसे व्यक्ति जो सम्मन या वारंट पर उपस्थित नहीं होते हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रोविजन है। 114 में सम्मन या वारंट के आदेश के साथ आदेश की प्रति देने का है, और 115 में जो है व्यक्तिक हाजिरी से अभियुक्ति देने की शक्ति है, ये भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। अब 116 जो है, जिसे हम 107-16 कहते हैं, तो SDM वगैरह देते हैं वो परिशांति भंग करने के लिए, और 116 जो है जांच है, इत्तला के बारे में जांच करने की शक्ति,
तो वो जो है जांच करेगा वो कि भाई वाकई जो इत्तला उसे मिली है वो ठीक है या नहीं है। अगर जांच करने पे ये मानता है कि वो ठीक है इत्तला, तो प्रतिभूति देने का आदेश परमानेंट वाला 117 में कर सकता है और 118 में जो है उसे डिस्चार्ज कर सकता है अगर उसे नहीं लगता है। 119 में ये अवधि है कि कब से उसे प्रतिभूति दी गई मानी जाएगी। और बंद पत्र में क्या होगा, 120 में, 121 में प्रतिभूतियों को अस्वीकार करने की पावर का जिक्र है और 122 में प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर यानी ना देने पर कारावास की का प्रावधान है। और 123 जो है प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास व्यक्तियों को छोड़ने का प्रावधान है। और 124 में बंद पत्र की जो है शेष अवधि के लिए प्रतिभूति सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए प्रतिभूति का जो है वो प्रावधान दिया गया है। अब पब्लिक ऑर्डर के लिए लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ट्रैंक्विलिटी के लिए प्रावधानों की बात है जो अध्याय 10 में दिए गए हैं यानी सेक्शन 29 में। 129 में सिविल बल के द्वारा जमाव को तितर बितर करने का प्रावधान है। विधि विरुद्ध जमाव को, अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव है तो उसे तितर बितर करने के लिए जो है 129 में जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने के भारसाधक मजिस्ट्रेट को या भारसाधक अधिकारी की उपस्थिति में उप निरीक्षक को जो है पावर है कि वो बल पीढ़ियों के 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव है जिससे लोक शांति विक्षिप्त होने की संभावना है तो तितर बितर करने का आदेश दे सकता है। और तितर बितर करने को 130 में जो है सशस्त्र बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। 131 में जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र के बल के सदस्य अधिकारियों को भी शक्ति है। और 132 में अगर इस इनकी शक्ति का प्रयोग किया गया है 129, 30, 31 के अंतर्गत तो उन्हें संरक्षण होगा यानी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। अब 104 की बात है अध्याय 17 में कि चार्ज किसे कहते हैं, आरोपों की अंतर्विस्तृति क्या होगी। तो सेक्शन 211 में इसका प्रावधान है कंटेंट ऑफ चार्जेस का कि प्रत्येक आरोप पत्र में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। अगर कोई विधि है तो उसका लिखा जाएगा कि कौन सी सृजन करने वाली विधि है जिसमें उसने अपराध किया है। और अपराध की परिभाषा इतनी देनी होगी कि अभियुक्त को उसे पता चल जाए कि उस बात की सूचना हो जाए कि उस पर क्या आरोप है, उस पर जो आरोप है। और विधि और विधि की वो धारा जिसके विरुद्ध अपराध के आरोप में उल्लिखित की जाएगी। ये तथ्य भी लिखा जाएगा कि इस कथन के विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिसमें आरोपित अपराध बनता है उसकी पूरी की गई है। आरोप जो है न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा यानी न्यायालय की जो भाषा है उसमें आरोप लिखा जाएगा। यदि किसी अपराध के लिए पहले दोषी है अपराधी और उससे ज़्यादा सजा हो जाएगी तो वो भी उसमें वर्णन किया जाएगा। अब बात करते हैं शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचारण की, अध्याय 18 है, चैप्टर 18। इसमें 225 में लिखा गया कि विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा यानी सरकारी वकील द्वारा किया जाएगा। अभियोजन 226 में अभियोजन के मामले के कथन का प्रारंभ किया जाएगा पहले। और 227 में एक डिस्चार्ज यानी सबसे पहले छूटने की जो नौबत आएगी 227 में आएगी कि अगर उसने जो अभिलेख लोक अभियोजक ने पेश किए और उस वाले से लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है तो वह वहीं डिस्चार्ज कर देगा, छोड़ देगा, आगे मुकदमा नहीं चलेगा यानी लोक अभियोजक की सुन ली और वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर उसे लगता है कि जो है उन्मेचित नहीं किया जा सकता, डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, सुनवाई आगे मुकदमा चलाने के आधार हैं तो 228 में आरोप उस पर विस्तृत करेगा यानी आरोप लगाएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग चार्ज करेगा।
और 229 में अगर वो चार्ज सुन के दोषी होने का अभिवचन करता है, कि हाँ साहब मैं दोषी हूँ मान लेता है अभियुक्त, तो जो है उसे जो है वो करेगा और उसके अनुसार दोष सिद्ध कर देगा, मतलब जो है कन्विक्टेड कर देगा, सजा दे देगा। 230 में अगर नहीं मानता है वो कहता है नहीं साहब मैं तो मुकदमा लड़ूंगा, जो है मैं स्वीकार नहीं करता अपराध, तो 230 में अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख दे देगा कि हाँ साहब प्रोसिक्यूशन जो है एविडेंस देगा। उसके बाद 231 में अभियोजन के साक्ष्य लिए जाएंगे। अभियोजन साक्ष्य जब दे देगा, सरकारी वकील अपनी तरफ से साक्ष्य दे देगा, तो 232 में फिर दूसरा मौका उसे मिलेगा कि जो है वो उसे लगता है जज को कि हाँ साहब कोई गवाह हुआ सही नहीं मिले, कोई साक्षी नहीं है, इसे तो आधार नहीं है, उसे अपराध का साक्ष्य नहीं है, तो फिर भी उसे वो दोष मुक्त कर देगा 232 में। अगर इसमें दोष मुक्त नहीं करता है तो 233 में फिर प्रतिरक्षा का आरंभ करेगा, जो है प्रतिरक्षा के एविडेंस के लिए प्रतिरक्षा अपने वो करेगा, वो अपने साक्ष्य देगा, यानी बचाव पक्ष अपना साक्ष्य देगा, और 234 में बहस होगी उसके साक्ष्य के बाद, और 235 में फाइनल दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय जो है वो कर दिया जाएगा। 236 में पूर्व दोष सिद्धि है तो उसके आधार पे जो है आरोप लगाया जाएगा और उस में जो है उस प्रक्रिया के अनुसार जो है मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो ये हुआ सेशन ट्रायल। अब वारंट ट्रायल जो है चैप्टर 19 में यानी अब अध्याय 19 में है मजिस्ट्रेटों द्वारा। ये वारंट मामले दो तरह से होते हैं, एक तो पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित मामले होते हैं पुलिस रिपोर्ट के आधार पे, और एक दूसरा पुलिस की रिपोर्ट के से भिन्न आधार पे होते हैं। तो इसमें भी जो प्रोविज़न है कि सबसे पहली बात ये पुलिस रिपोर्ट पे आधारित है, तो क्योंकि रिपोर्ट आ जाती है तो 207 में जो है वो पुलिस रिपोर्ट है तो 207 का पालन यानी चार्जशीट वगैरह जो उससे मिली है उसकी कॉपी दे दी गई है यानी दे दी गई है ये सुनिश्चित करेगा 238 में। 239 में मजिस्ट्रेट जो है उन्मोचित कर देगा अगर उसके आधार पे अभियुक्त के परीक्षा के आधार पे जो है मजिस्ट्रेट को लगे कि साहब अभियोजन को सुनवाई का मौका देने के बाद कि हाँ भाई कोई मामला नहीं बनता है, तो यहाँ पे उसे को पहला मौका मिलेगा कि उसे डिस्चार्ज कर देगा। अगर डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो उसे आरोप फ्रेम किए जाएंगे चार्ज, और दोषी होने का अगर वो कथन करता है तो उसे उसके आधार पे जो है दोष सिद्ध कर दिया जाएगा और फैसला कर दिया जाएगा। और अभियोजन अगर नहीं करता है ऐसा तो 242 में अभियोजन के साक्ष्य और 245 में प्रतिरक्षा का साक्ष्य लिया जाएगा, और जो है उसके बाद जो है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि 248 में कर दी जाएगी। और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न होगा तो क्या होगा, अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा क्योंकि 207 की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि मजिस्ट्रेट के समक्ष सीधे वो किया गया है, और अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाएगा अब जो है अगर अभियोजन के साक्ष्य से मामला नहीं बनता है, और जहां उन्मोचित नहीं किया जाता है यानी डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो वहां जो है वो चार्ज पढ़ के सुनाया जाएगा और वही प्रोविज़न करके प्रतिरक्षा के साक्ष्य के बाद 247 में जो है 248 में उसका जो है फैसला कर दिया जाएगा। 249 में परिवादी की अगर अनुपस्थिति है, परिवादी की यानी कंप्लेनेंट की जिसने अब परिवाद किया है, पुलिस रिपोर्ट नहीं परिवाद जिसने किया है, तो अपराध को तो उसे अब या तो अपराध को शमन किया जा सकता है या संज्ञेय अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट इसमें जो है अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है अगर संज्ञेय अपराध नहीं है तो। और 250 में उचित कारण के बिना अभियोग करने पर प्रतिकर का भी प्रावधान है कि कंपनसेशन जो है दिलवा सकता है। अब बात करते हैं मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामले के विचारण की, जो दूसरा सम्मन मामला है अध्याय 20 है ये। इसमें पहला क्या होगा, अभियोग का सारांश बताया जाएगा यानी अभियोग से शुरू होगा ये मामला 251 में। 252 में दोषी होने का अभिभाग पर दोषी दिखा जाएगी, और 253 में छोटे मामलों में अभिभाग पर डायरेक्ट जो है दोष सिद्धि कर दी जाएगी, और जब दोष सिद्धि नहीं की जाएगी 254 में तो जो है वो साक्ष्य लेने के बाद दोनों पक्षों के 255 में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि कर दी जाएगी,
और 256 में परिवादी का हाजिर न होने या उसकी मृत्यु पर दोष मुक्त कर दिया जाएगा। 257 में परिवाद को वापस भी लिए जाने का प्रावधान है और 258 में कार्यवाही पर रोक देने की शक्ति है कि जो है वो पहले भी निर्णय भी देने से पहले रोक सकता है और संबंध मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित भी 259 में कर सकता है अगर उसे ये लगता है। अब बात आती है संक्षिप्त विचारण की। संक्षिप्त विचारण का प्रावधान जो है 221 में है। जो भी संबंध मामला है उसका संक्षिप्त विचारण जो है इसमें जो लिस्ट दी गई है उन अपराधों का किया जा सकता है या किसी एक्ट में जो है प्रोविज़न हो उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। 260 में ये प्रोविज़न है। 261 में द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट यानी सेकंड मजिस्ट्रेट का भी वो कर किया जा सकता है लेकिन वो 6 माह से अधिक का कारावास जो है वो उसमें नहीं दे सकेंगे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। दो सौ 262 में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया है कि जो संबंध की प्रक्रिया है वो रहेगी और बस फर्क ये है कि 3 माह से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश जो है दोष सिद्धि के मामलों में नहीं दिया जाएगा। 263 में संक्षिप्त मामलों के अभिलेख की बात है और 264 में संक्षिप्त विचारित मामलों के में निर्णय की बात है कि उसे अभियुक्त कथन करता है अभियोचन नहीं करता है तो उसके इसलिए साक्ष्य का सारांश लिखते हुए निष्कर्ष लिखेगा और अभिलेख और निर्णय की भाषा जो है 265 में इसका जो है प्रावधान है। अब जमानत और बॉन्ड की बात है जो अध्याय 33 में लिखा गया है चैप्टर 33। 436 में ये कहा गया सेक्शन 436 में किन मामलों में जमानत ली जाएगी। तो जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है, उसका जमानत पर छोड़ दिया जाएगा यानी जमानत उसका अधिकार है 436 में नॉन बेलेबल मामले में। और 436 का में अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है ये लिखा गया है, ये अमेंडमेंट के बाद आया है 2005 के जो है उस अधिकतम अवधि जिसके विधि के अनुसार अपराध के लिए निर्दिष्ट की गई है आधे से अधिक की अवधि भोग चुका है वहाँ पर उसे छोड़ दिया जाएगा। 437 में अजमानती अपराध की दशा में जमानत का प्रावधान है कि उसमें जो है उसे सुनवाई का मौका दिया जाना ज़रूरी है लोक अभियोजक को यानी सरकारी वकील को। और 237 का अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानत का प्रावधान है। विचारण के समाप्त होने से पूर्व अपील के निपटान से पूर्व विचारण करने वाले अभियुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वो फाइल की गई अपील के बाबत जो है वो जो है जमानती दे और उसे छोड़ दिया जाएगा। और 438 गिरफ्तारी की आशंका वाले मामलों में जो है जमानत स्वीकृत करने के निर्देश की पावर है यानी इंट्रिम बेल जिसे हम कह सकते हैं, पहले से जमानत जो है गिरफ्तारी से पहले जमानत 438। 439 में जमानत के बारे में उच्च न्यायालय और सेशन कोर्ट की स्पेशल शक्तियां हैं कि अन्य किसी बात के होते हुए भी वो जो है निर्देश दे सकते हैं। 440 में जो है बॉन्ड है उसकी रकम को घटाने की शक्ति है, ये शीर्ष न्यायालय या उच्च न्यायालय दे सकता है। और 441 में अभियुक्त और प्रतिभूतियों का यानी बॉन्ड ऑफ एक्यूज एंड सिक्योरिटीज की का प्रावधान है। अब बात हम करते हैं अपील और रेफरेंस और रिविजन की। जो
अध्याय 29 में है, 229 में, 372 में लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना, यानी आप अपील के लिए एक्ट में या कहीं भी प्रावधान होना जरूरी है, जिन मामलों में अपील का प्रावधान नहीं है वहाँ पे अपील नहीं होगी। 373 कहती है परिशांति कायम रखने वाले सदाचार की प्रतिभूति वाले मामलों में जो है अपील का प्रावधान करती है, और 374 दोष सिद्धि से अपील का प्रावधान करती है। 375 ये कहती है कि कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे तो अपील नहीं होगी, और 377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान करती है। 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील, यानी सरकार की ओर से या संबंधित व्यक्ति की ओर से करने का प्रावधान करती है। 379 में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील का प्रावधान करती है, और 380 कुछ मामलों में अपील करने के विशेष अधिकार का प्रावधान करती है। 381 शेषन न्यायालय में की गई अपील कैसे सुनी जाएगी, 382 अपील की अर्जी, 383 जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया, और 384 अपील का संक्षेप में खारिज करने की बात, और 385 जो है संक्षेपता खारिज अगर अपील नहीं की गई है तो सुनवाई के लिए प्रक्रिया क्या होगी उसका प्रावधान करती है। 386 अपील न्यायालय की शक्तियों का प्रावधान करती है, और 387 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय का प्रावधान करती है। 388 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को कैसे भेजा जाएगा उसका प्रावधान है। अपील लंबित रहने तक दंडादेश के निलंबन, अपीलार्थियों को जमानत पर छोड़ा जाने का प्रावधान 389 में, 389 में, 390 में दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी, और 391 में अपील न्यायालय के अतिरिक्त साक्ष्य लेने और लिए जाने के निर्देश देने की का प्रावधान है। 392 जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश की राय में समान रूप से विभाजित है, कई न्यायाधीश हैं और समान रूप से विभाजित है तो क्या प्रावधान होंगे। 393 अपील पर आदेशों और निर्णय का अंतिम होना, और अपीलों का अबेटमेंट उपशमन होने का प्रावधान है। अध्याय 30 में निर्देश और पुनरीक्षण की बात है। उच्च न्यायालय का निर्देश 395 उच्च न्यायालय को दिया जाता है, यानी रेफरेंस जब किसी न्यायालय को समाधान हो जाता है कि नीचे वाले लंबित न्यायालय जिसमें केस है तो वो आगे उच्च न्यायालय को उसके जानने के लिए विधिमान्यता के प्रश्न को निस्तारित करने के लिए किसी कानून के जो है निर्देश दे सकता है। 396 में उच्च न्यायालय के निश्चय के अनुसार जो निश्चय करेगा उसमें मामला निपटा लिया जाएगा। 397 पुनरीक्षण की पावर है, एक्सरसाइज ऑफ रिविजन। उच्च न्यायालय या कोई शेषन न्यायाधीश अपने स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अवर न्यायालय के रिकॉर्ड को मंगा सकता है और उस पर आदेश कर सकता है। 398 में जांच करने के आदेश देने की शक्ति है, और 397 में जो मंगाया गया है रिकॉर्ड। 399 में शेषन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रावधान है, और 400 में अपर न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश की शक्ति है, और 401 में उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रावधान है। 402 में उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति का प्रावधान है, और 403 में पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प देने की शक्ति है, और महानगर मजिस्ट्रेट के निश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की शक्ति 404 में है, और 405 में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजे जाने का प्रावधान है। तो ये एक छोटे से वीडियो में हमने ये प्रयास किया है कि आपको सिलेबस में क्या क्या है ये समझ में आ जाए, और कौन क्या क्या चीज़ है मोटे तौर पर समझ में आ जाए, इसे जो है पूरी तरीके से तैयारी के लिए अपने नोट्स से अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह से स्टडी ज़रूर कर लें। ये अपने आप में जो है पूरी पढ़ाई आपके पेपर की या पूरी तैयारी नहीं मानी जा सकती।